नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिवाली पर दहल गया पाकिस्तान, हुआ खौफनाक बम ब्लास्ट, चारों तरफ लाशों के ढेर, तबाही का मंजर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मस्तूंग जिले में शुक्रवार सुबह बड़ा विस्फोट हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 5 बच्चों और एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कलात डिवीजन के कमिश्नर नईम बाजी ने बताया कि विस्फोट सुबह करीब 8:35 पर मस्तूंग सिविल अस्पताल के पास हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोटरसाइकिल पर लगे EID को पुलिस मोबाइल के पास विस्फोट कर दिया गया। इस घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। क्वेटा ट्रामा सेंटर में शिफ्ट किए गए 11 लोगों में ज़्यादातर बच्चे हैं। 5 लोगों की हालत और गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले मस्तंग जिले के पुलिस अधिकारी मियादाद उमरानी ने बताया था कि घायलों में 4 पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मृतक बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के बीच है। DPO के अनुसार विस्फोट के कारण एक पुलिस वैन और कई ऑटो रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गए। घटना स्थल की फुटेज सामने आई है, जिनमें पुलिसकर्मी अन्य लोग जली हुई वैन के पास इकट्ठे नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने मस्तंग में हुए विस्फोट की निंदा की। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शहीद पुलिसकर्मियों और मासूम बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदना। आतंकियों ने अब गरीब मजदूरों के साथ मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बनाया है। यह मानवीय घटना निंदनीय है। आतंकियों ने अब तक मासूम बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाया है। नागरिक आबादी में स्थानीय लोगों को भी आतंकियों पर नजर रखनी होगी। आतंकवाद के राक्षसों से हाथ मिलाकर ही लड़ा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज।